मैं यहाँ से जाऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ निहाल के साथ। निहाल 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 निहाल, अभी फोन उठाओ और कॉल करो उसे। वो तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं करेगा रंशा। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? इस चैप्टर को क्लोज करो और मेरे साथ वापस अमेरिका चलो। और आंटी मुझे बता रही थी कि उनकी किसी फ्रेंड का बेटा तुम में इंटरेस्टेड है और उसे तुम्हारे शादीशुदा होने या बच्चा ना होने का कोई मसला भी नहीं है। इनफैक्ट आंटी चाह रही हैं कि वो लड़का भी तुम्हारे साथ अमेरिका में सेटल हो जाए। तलाक याफ्ता पांच लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए? यार अच्छा शरीफ लड़का है, अच्छी फैमिली है उनकी, लाइफ स्पेंड तो करनी है ना तुमने, ऐसे तो नहीं रहोगी सारी जिंदगी। ओह आई सी, इसलिए वो आंटी सुबह शाम हमारे घर आती है। मैं इतनी सीधी भी नहीं हूँ कि लोगों का लालच मुझे नजर ना आए। और तुम सब कान खोल के सुन लो, मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगी तो सिर्फ और सिर्फ निहाल के साथ। और ये जो मामा की दोस्त है उनको तो मैं खुद ही सीधा कर लूंगी। अब की बार आएंगी ना ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी उम्र याद रखेंगी वो। आंटी तुम्हें ही याद कर रही थी आज में। बैठो ना। हाँ कहाँ है रमशा, नजर नहीं आ रही? हाँ उसकी फ्रेंड आई। लो मेरी अभी तलाक हुई नहीं और आप लोग शादी की आस लगाए बैठी? सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ की जायदाद और ग्रीन कार्ड को हथिया सके? क्या बदतमीजी है ये, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई तुमने इसे? आप जैसे लोगों के साथ ना ऐसे ही बात करनी चाहिए मुझे। सुनो मेरी माँ से तमीज से बात करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो दूसरों के माल पे नजरें रखते हैं ना उनसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। और मेरी तलाक हुई नहीं और तुम लोग शादी के लिए रिश्ते लेकर आ गए हो, हद होती है वैसे। रमशा तमीज से बात करो, क्या हो गया तुम्हें? इसे अंदर लेके जाओ। इस काबिल ही नहीं है कि इनसे तमीज से बात करी जाए। और मैं अंदर कहीं नहीं जा रही हूँ, इनसे कहे निकले यहाँ से फौरन, निकले आप लोग यहाँ से। क्या क्या कह रही हो मिदर तुम, क्या कर रही है बदतमीजी ये? अगर आपको बेइज्जत होने का इतनी फिक्र थी तो आए क्यों हैं आप लोग यहाँ पर, निकले यहाँ से। मॉम इससे मेरी शादी करवाने वाली थी आप, देख लिया आपने? वो दरअसल रमशा थोड़ी डिप्रेशन में है। मैं किसी डिप्रेशन में नहीं हूँ, इन लोगों से कहे जाएं यहाँ से। मिदर तुम्हारी बेटी पागल थी तो तुम इसका इलाज करवाती ना। एक तो तुम्हारी बेटी बांझ, एहसान मानो मेरा, इसको मैं अपने घर की बहू बना के ला रही थी। क्या कहा आपने मुझे? बांझ का है? मैं बांझ नहीं हूँ। आया को समझ, मैं बांझ नहीं हूँ। निकले यहाँ से आप लोग। चलो चलो यहाँ से चलो। बेइज्जत होने का इतना डर था तो आए क्यों थे किसी के घर? बेइज्जत होने? मैं बांझ नहीं हूँ मामा। अच्छा क्यों क्यों नहीं समझ आता आप सबको? मैं जिंदगी गुजारूंगी तो सिर्फ और सिर्फ निहाल के साथ। आ गई आपको समझ? निहाल मेरा है मामा, वो मेरा है, आपको समझ आ गई ना? मैं नहीं हूँ बांझ, मैं नहीं हूँ बांझ मामा। जल्दी चल जल्दी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, कोई अमीर लड़की मेरी किस्मत में है ही नहीं। शुक्र कर वहां से जल्दी निकल गए, अभी थोड़ी देर और रुकते तो वो तो सली खोल देती मेरा। ओए हाय, और अगर इस कमबख्त से शादी हो जाती तो शादी के बाद तो ये हमारी नाक से लकीरें खिंचवा देती जमीन पे। भाई मॉम मुझे कुछ नहीं पता, मेरी शादी करवाए बस, जल्द से जल्द कहीं भी करवाए मेरी, करवा दे शादी। अभी तो निकलो यहाँ से, कहीं फिर रहा जाए वो। मुझसे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जाती, काश मैं इसके लिए कुछ कर सकती। आंटी अब माँ है, माँ की दुआ तो तकदीर बदल देती है। अब बस दुआ करें कि निहाल के दिल में रमशा के लिए हमदर्दी आ जाए। बेटा मैं अपनी बेटी की सारी हरकतों से वाकिफ हूँ। इसी दिन के लिए इसे मना करती थी, समझाती थी। मुझे लगता है कि बीना की आह लग गई है हमें,
उसकी अर्श तक पहुंच गई। आंटी मायूसी कुफ्र, अगर आप इस तरह की बातें करेंगी तो रमशा को हौसला कौन देगा? बेटा क्या तुम आज यहाँ रमशा के पास रुक सकती हो? दरअसल डॉक्टर ने कहा है कि इसको जैसे ही होश आए इसे फौरन दवा देंगे। आंटी अब बेफिक्र है, मैं यही हूँ। मैंने घर कॉल कर दिया, मैं आज रात आपके साथ हूँ। शुक्रिया बेटा, जीती रहो तो। अच्छा तुम इसके पास बैठो। मेरी प्यारी दोस्त, तुमने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर ली? क्यों? दत्त मेरी बहन, लोग तो उस पेड़ को भी जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं जो फल या फूल नहीं दे पाता, और मैं एक बांझ को अपने घर में बिठाए रखती? ना बाबा ना। देखो मित्र, तुम मेरी बहन जरूर हो लेकिन निहाल मेरी औलाद है, और औलाद के साथ मैं इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं कर सकती कि एक बांझ को उसके पल्ले बांध दूं। मैं निहाल अहमद अपने पूरे होशोहवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। निहाल, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। क्या कर रहे हो?
माफी मांगने आया हूँ। माफी? एक बद किरदार धोखेबाज लड़की से माफी मांगने आए हो? नहीं, बद किरदार धोखेबाज नहीं हो तुम। वो रमशा मॉम पता नहीं क्या मेरे दिमाग में भर दिया ताकि मैं वो रमशा से शादी कर लूं। और वही किया ना तुमने, वही किया ना तुमने, अभी भी माफी उनके कहने पे मांगने आए हो? हाँ, या ये भी उनकी कोई साजिश है? मुझे माफ कर दो प्लीज। निहाल जाओ यहां से, उठो प्लीज। मैं नहीं चाहती कि मेरे किरदार में कोई भी कीचड़ चाले। आप उठो और जाओ यहां से प्लीज। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मेरा सीना दर्द से फट जाएगा। माफ किया। एक चीज मांगूंगी, दोगे? मेरे सामने ना आना। सामने आते हो ना तो तकलीफ होती है। मुझे ये आइंदा तकलीफ ना देना। हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़ के चला जाऊं। तुम
तुम बस खुश रहना। जो मुझसे खफा है कोई इल्तजा है, जो लफ्जों से रुची वो मेरी दुआ है। लब पे रुकी जो वो दिल की सदा है, उसी ही सदा पे ये सर भी झुका है। वो दर्द ज़ुबां पे कैसे लाए जो तुझसे मुझे सारे गम दे गए, मुझे सारे गम दे गए। बहुत ही हुए मेहरबान मुझ पे सभी सितम दे गए, सभी सितम दे गए। मुझ में तेरा गम दवा बन गया, लगा मर नसरीन भी मेरी कॉल नहीं उठाती। वो मुलाजमा है बेटा, उसको जो मालिक कहेंगे वो वही करेगी। आपने आंटी से बात की? तुमने मुझे किसी से बात करने के काबिल छोड़ा भी है? रिफत तो मुझसे इस कदर बदतमीजी पर उतर आई है
के क्या बताऊं। करीम भाई बता रहे थे कि डॉक्टर्स उन्हें आजकल सुबह शाम नींद की गोलियां दे रहे हैं ताकि वो पुरसकून रहे। निहाल ने तो उनसे बात तक करनी छोड़ दी है। मैं कल जाकर ना खुद बात करूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन निहाल ने तुम्हें तलाक देने की धमकी दी है। सनाओं के गुस्से में वो ये रिश्ता ही खत्म कर दे। नहीं मामा, ऐसे मत बोले। आपको पता कि निहाल ने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज ऐसे मत बोले आप। मेरा बच्चा इधर आओ। हाल नहीं आया अभी तक। कोई नजर ही नहीं आ रहा घर में। सब कहां चले गए? अकेली हो जाऊंगी मैं तो इस तरह। सब छोड़ के चले गए मुझे। निहाल क्यों नहीं आया अभी? कॉल करती हूँ निहाल को। मैं माफी चाहता हूँ मिद्दत, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सका। लेकिन ये बात तो तुम्हें माननी होगी कि इसमें सारा कसूर रमशा का है। उसने टीना का घर बर्बाद करके निहाल को हासिल किया। लेकिन अफसोस, वो अपना घर भी बचा नहीं सके। जी मैं जानती हूं करीम भाई, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। अंकल आप आए, मुझे बताया क्यों नहीं मामा आपने? निहाल भी आया ना? क्या निहाल ने आपको भेजा है? ये निहाल ने तुम्हारे लिए भेजा है। मतलब उसने मुझे माफ कर दिया? हम फिर से किसी ट्रिप पर जा रहे हैं क्या? हे मामा, चले कोई नहीं, मैं खुद से देख लेती हूँ। अंकल ये निहाल मुझे तलाक कैसे दे सकता? अंकल आप उसे जाकर बोले कि मैं पहले वाली रमशा नहीं रही हूं। प्लीज प्लीज अंकल उसे कहें कि वो मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता। आप ये वापस ले जाएं। निहाल मेरे साथ ना ऐसा कुछ नहीं कर सकता। प्लीज ये वापस ले जाएं। अंकल ये प्लीज आप देखें ना निहाल। मामा आप अंकल को रोक लेना। निहाल मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता? आपको पता मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। प्लीज चले आप मामा, चले ना मामा। मामा जाकर उन्हें
हाल में इज्जत ऐसे नहीं कर सकता। मामा! नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगी निहाल तुम्हारे बगैर, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। मुझसे खफा है कोई इल्तजा है, जो लफ्जों से रुची वो मेरी दुआ है। लब पे रुकी जो वो दिल की सदा है, उसी ही सदा पे सर भी झुका है। वो दर्द ज़ुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा, मैं खाली आसमान दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। ओ मैं रुबा शुक्रिया तेरा प्यार मिल मसरूफ है, ये इनायत है गम तेरा जो तूने पे मुझे सारे गम दे गए, मुझे सारे गम दे गए। बहुत ही हुए मेहरबान मुझ पे सब ही सितम दे गए, सब ही सितम दे गए। मुझ में तेरा गम दवा बन गया, लगा मर जीना सिखा दिया।
बस यूं समझो कि अल्लाह ने मेरी सुन ली, अब तो मैं इस घर की मालकिन हूं। जानती हो, बड़े साहब ने मुझे इस घर के सारे मामलात में सपोर्ट कर दी। हाँ, वो बड़ी बीबी थी। नसरीन, निहाल का फोन है ना? मेरा पूछ रहा है, मेरी बात कर रहा। मैं उससे पूछूंगी कि कब आ रहा है, वो अभी तक क्यों नहीं आया। नस, निहाल का फोन है, मेरी बात कराओ नसरीन। उसने मुझे बताया ही नहीं कि वो कब आ रहा है। मैं कितने दिनों से इंतजार कर रही हूँ उसका। इन्हें ले जाओ। एक मिनट, मेरी बात तो करा दो ना निहाल से। तुम क्यों नहीं बात करा रही मेरी? इन्हें सुकून की दवा की जरूरत है, इन्हें दवाई दे दो। चलिए, आपकी दवा का टाइम है। एक मिनट रुको, निहाल का फोन है। अच्छा सुनो, निहाल का फोन आएगा तो अंदर ले आओगी ना फोन मेरे कमरे में? हाँ बता दूंगी, ठीक है? जरूर बता देना मुझे। हाँ, चलिए, जब निहाल का फोन आएगा ना तो ये बता देगी, तो मुझे दे देना। अच्छा जी, बता देना नसरी। ले जाओ, चलिए, बता देना नसरी। हाँ हाँ बता दूंगी, बता दू इनको मैं। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, सारा मजा इन्होंने खराब कर दिया। हाँ तुम्हें कह रही थी कि आना ना कभी डिनर पे, शीशे की बड़ी सी टेबल पे खाना खाना। साल गुजर गए माशाल्लाह, पता ही नहीं चला। वक्त तो जैसे पड़ लगा के हो गया। जितनी तरक्की तुम्हें चाहिए थी ना बेटा, अल्लाह ताला ने उससे ज्यादा तुम्हें दिया। और ये सब कुछ आप लोगों की दुआओं की वजह से मुमकिन हुआ। तुम्हें खुश देख के मेरा दिल कितना खुश होता, तुम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते, क्योंकि अपनों के एहसासात की पहचान है मुझे। सानिया इधर आओ। बचाने की कोशिश कर रही हो मेरी सास को? तुम्हारी सास मेरी माँ भी लगती है। हाँ भाई, हम ही कुछ नहीं लगते तुम्हारे, बस तुम ही सगी 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 माँ है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। एक सेकंड, बॉस की कॉल आ रही है। जी बॉस। कैसी हो बीना? You know, I'm really proud of you. तुम्हारी अनथक मेहनत की वजह से आज हमारे इदारे को मुल्क के बेहतरीन कारोबारी इदारे का अवार्ड दिया गया है। पर जल्दी से अपनी छुट्टियां खत्म करके वापस आओ। तुम्हारा प्रमोशन लेटर बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस सक्सेस में तुम्हारा बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बेस्ट ऑफ लक। जी थैंक यू सो मच सर। कंपनी को बहुत फायदा हुआ मेरी वजह से। अब बॉस कह रहे कि मुझे प्रमोशन मिल गई है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, हमेशा खुश रहो, कामयाब रहो। देख लिया बेटा, मौजों के दरवाजे सब्र की कुंजी से खुलते हैं। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, जैसे हर खिजा के बाद बाहर आती है। अल्लाह ताला तुम्हें दुगनी तरक्की, चुगनी शौहरत और बहुत सारी इज्जत दे। आमीन आमीन। हमेशा खुश रहो बेटा। खफा है कोई इल्तजा है जो लफ्जों से रुठी वो मेरी दुआ है। लफ्ज़े रुकी जो वो दिल की सदा है उसी ही सदा पे सर भी चुका है वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे